आज हम उदयगिरी केव्स घूमने जा रहे हैं और शायद ये भोपाल से 60 किलोमीटर दूर है। फाइनली हम लोग उदयगिरी केव्स पहुंच चुके हैं। गाइड कर लेंगे ताकि यहाँ के इतिहास के बारे में पता चल सके हमें। कहाँ है? विष्णु को दिखाया है कि देखेंगे जो गले में जो माला होती थी उसको बेजंती माला बोलते थे। हाँ। यहाँ देखेंगे ये बेजंती माला को यहाँ पे। अच्छा, ये रे विष्णु का वो बोला। अच्छा, ये नागराज में 13 फन है। तेरा फन है विष्णु भगवान जो था उसको पांच फन वाले थे। ये विष्णु भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ था वो बड़ा बका हुआ था, कंधे पे बैठी है वो भूते भी है, प्रार्थना करते हैं कि विष्णु भगवान धरती माता को निकालेंगे आप जानते। तो ये पाताल लोक में जाते हैं या पाताल लोक का सीन भी है जो। अच्छा, ये लहरें हैं मतलब कि ये पाताल लोक है। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं हाथ नागराज के पूंछ के सहारे से वो भी पाताल लोक में खड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, और ऊपर देखेंगे लोटस लगाए हुए हैं सर छाया के लिए। जब विष्णु का निकल के आते हैं पाताल लोक से तो छाया के लिए उन्होंने लोटस लगाए हुए कार्तिक शिव और पार्वती के पुत्र। बिना बजाते दिखाया गया है यहाँ पे समुद्रगुप्त को। अच्छा जी मैम, यहाँ पर शिव जी का पूरा केस को दिखाया गया है। बारहवीं गंगा को निकल के बताया है अच्छा लावा से निकला हुआ पठार है ये। संकलिपि संकलिपि इसका अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया क्या लिखा हुआ। ये गुप्त डायनेस्टी के पहले का ही है। हाँ। ये है लॉर्ड विष्णु, ये लिखा हुआ है संकलिपि में। और आगे सही से दिख जाएगा, अभी इसको कोई पढ़ नहीं पाया। हाँ मैम, पढ़ नहीं पाया क्या लिखा हुआ है कोई जानकारी। विष्णु भगवान लेटे हुए और यहाँ पे देखेंगे मनुष्य में दिखाया गया है। अच्छा जी, और लास्ट में जो द्वारपाल है जय और विजय यहाँ से पानी आता है सर बारिश में। है ये संकलिपि में लिखा हुआ है ना। क्या कुछ है अभी तक जो पता भी नहीं चला। क्या चीज पेड़ के नीचे? हाँ 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 मैम, उदयगिरी का नाम उसी गुफा से पड़ा हुआ है। अच्छा, सूर्य का उदय गिरिया ने पहाड़ सबसे बड़ा दिन होता है मैम। गणेश जी की सबसे सुंदर मूर्ति को दिखा, गणेश की प्रतिमा। इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने नहीं होते हैं, ऊपर से दिखाई देगा सर। पहाड़ी के टॉप पे पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ग्रीन व्यू है, इतनी शांति है। और जो किताबों में पढ़ा था अपने इतिहास के बारे में, आज उन मूर्तियों को अपनी आंखों से देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उन लोगों पे प्राउड हो रहा है जिन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई और बनवाई। आप भी जरूर आइए अपने इतिहास को देखने के लिए जब भी मौका लगता है, बहुत अच्छा लगता है अपना इतिहास देख के।